क्या आपका पेट हर दिन भरा हुआ महसूस होता है और भारी लगता है? क्या आप गैस और एसिडिटी से दिन भर परेशान रहते हैं? कोई भी वर्क करने में मन नहीं लगता है? तो इससे छुटकारा कैसे पाएं? हर भोजन के बाद जलन और असहजता का सामना करना पड़ता है, यह हो सकती है वजह। नमस्कार दोस्तों, न्यूट्रिशन मेहता के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे पांच प्राकृतिक उपाय आपको बताएंगे जिस उपाय से आप अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं, वह भी आप मेडिसिन फ्री, डॉक्टर फ्री, टेंशन फ्री, सारा चीज से फ्री रहते हुए आप। लेकिन बट क्या आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको सारा जो 5 सॉल्यूशन है आपके साथ हम शेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो आप तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक चीज ध्यान रखिएगा, गैस एसिडिटी और पाचन संबंधी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को जरूर, आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, आपका स्वास्थ्य ही सारा कुछ है, कि आप वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। पूरा देखने से आपको समझ में आएगा। यह नहीं कि 5 मिनट का समय नहीं, जिंदगी सबसे मूल्यवान चीज है। आप 5 मिनट यदि लगाते हैं इस वीडियो में, आप गैस और एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। आप प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। 5 आसान तरीके जो है, पहला क्या है, भोजन को अच्छी तरह से हम लोग क्या करते हैं, काम के व्यस्त होने के कारण से जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। भोजन को चबा चबा के खाना है। भोजन को चबा चबा के खाते हैं तो क्या होता है, पाचन जो है बेहतर होता है, और पाचन बेहतर होता है तो गैस और एसिडिटी की समस्या का सभी से छुटकारा पा जाते हैं, कब से भी छुटकारा पा जाते हैं, मेन पेट ही है। दूसरा क्या है, दूसरा दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। अभी क्या करते हैं हम लोग, काम के व्यस्त के कारण से कहीं ट्रेवलिंग में चल गए, पानी का बोतल नहीं ले पाए, जब प्यास लगा तब पिए, लेकिन बट वैसा नहीं करना है। आप दिन में एक टारगेट बना लें कि आपको पानी 8 से 10 गिलास पीना है। 10 गिलास तो जरूर पीना है। 10 गिलास पानी 250 ml हुआ, आपको 2.5 लीटर पानी हो गया। 2.5 से 3 लीटर पानी पर डे जरूर सेवन करें। तीसरा सबसे बड़ी क्या है, तीसरा क्या है, भोजन में हरी सब्जियां और फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं। जैसे फाइबर जो है, आप फाइबर में जो है फल सब्जी, फल में आप जैसे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सेब ले सकते हैं, पपीता ले खा सकते हैं। उसके बाद फाइबर की मात्रा आपको चुकंदर वगैरह में, चुकंदर में बहुत बड़ा गुण है, वह यदि आप जो है आपका हेमोग्लोबिन भी कम है तो वह ब्लड मतलब हेमोग्लोबिन भी बनाते हैं, आपका ब्लड भी कम नहीं होने देगा और एनर्जेटिक बना के रखेंगे। पपीता का मतलब चुकंदर का जरूर सेवन करें, उसमें भी फाइबर पाया जाता है। फाइबर जैसे पालक हुआ सब्जी में, साग में, ब्रोकली और मोटा अनाज जरूर लें, और कब्ज को इससे दूर कर सकते हैं। तीसरा क्या है, अदरक और पुदीने का सेवन करें। अदरक पुदीना क्या है, अदरक आप सब्जी में डाल के, दाल में डाल के अदरक का चाय पी सकते हैं, पुदीने का पानी पी सकते हैं, इसका जरूर सेवन करें। पांचवा क्या है, रात का भोजन हल्का और जल्दी करें। यदि आप रात को 11 बजे सोते हैं तो आप 8:30 तक जरूर खाना खा लें, मैक्सिमम 9 बजे तक, और भोजन थोड़ा करें और उसमें सलाद की मात्रा थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दें। यदि सलाद की मात्रा बढ़ा देते हैं तो आपको कब्ज, गोज, गैस, एसिडिटी की समस्या से आप छुटकारा ऑटोमेटिक पा सकते हैं, ताकि आपका पाचन भी सही हो।
यदि पाचन सही होता है तो गैस एसिडिटी की समस्या से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। पेट ही ऐसा चीज है, पेट यदि गड़बड़ हुआ तो सारा सिस्टम आपका गड़बड़ा जाएगा, शरीर का सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। सिस्टम ही गड़बड़ होने के बाद परेशानी में हम लोग को आ जाता है। तो दोस्तों यह 5 सरल घरेलू उपाय जो आपके पाचन को सुधार सकते हैं और गैस और एसिडिटी की समस्या से बचा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आगे भी हम आपके समस्या से जुड़ी जानकारी दे सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन भी दबाएं, बेल आइकन यह दबाइएगा तो सबसे पहले जैसे भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास वीडियो पहुंचेगा और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, अपने परिवार के साथ मस्त रहें। नमस्कार, तो फिर नेक्स्ट वीडियो।